हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा कार का फर्स्ट सर्विस होने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस होता है 1000 किलोमीटर में होता है और फाइनली हमारा कार जो है 1000 से ज्यादा 1100 किलोमीटर चल चुका है। फाइनली कार को लेके सर्विस स्टेशन आ चुके हैं। सर्विस स्टेशन के अंदर में जाके इसको गाड़ी को अच्छे से पार्क कर देते हैं, बात करते हैं अपने सर्विस एडवाइज़र से, जिसका मैसेज हमारे फ़ोन में आ चुका था। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं हम लोग सर्विस एडवाइज़र का। सर्विस एडवाइज़र आने के बाद देख सकते हैं सारे इंस्पेक्शन जो उन लोगों का करना होता है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना होता है, वो सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अभी सारा फ़ोटो वगैरह क्लिक करके एक पेपर तैयार किया जाता है, जो पेपर का एक मेरा पास रहेगा, एक वो ले लेंगे। उसके बाद से कुछ समय दिया जाएगा, उस समय हमको वापस आना पड़ेगा। तो अभी 2:30 बज गया मेरा सारा काम करते हुए, तो अभी कम से कम बोला उन्होंने 3-4 घंटा लगेगा। फाइनली अभी चले जाते हैं घर और फाइनली देख सकते हैं शाम हो चुका है, अभी 6 बज चुका है। 6 बजे हम वापस आए तो बोला कि तुम्हारा गाड़ी रेडी है, तुम एक बार जाकर चेक कर लो। तो वहाँ के चेक कर लिए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लीन किया गया, अच्छे से साफ़ किया गया गाड़ी को। तो चारों तरफ से चेक कर लिए, उसके बाद से वहाँ पे जो पेपर था कि वहाँ पे जाके साइन करना पड़ेगा, साइन करने के बाद हमको गाड़ी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो फाइनली गाड़ी हमको मिल चुका है और हम निकल चुके हैं सर्विस स्टेशन से बाहर। तो देख सकते हैं फाइनली फर्स्ट सर्विस तो हो चुका है, जो कि फ्री सर्विस था। फ्री सर्विस में हुआ क्या, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस वॉशिंग वगैरह हुआ, थोड़ा नॉर्मल चेकअप वगैरह था, जो भी बोला उन्होंने, तो जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप। तो मेरा वैसा कुछ खास प्रॉब्लम था नहीं। तो फर्स्ट सर्विस हो चुका है, तो दोपहर को 2:30 बजे लेके आए थे हम गाड़ी, और अभी 6 बजे हम लोग का गाड़ी फाइनली मिल चुका है। पूरा अंदर बाहर पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया गया है। तो फर्स्ट सर्विस में यही हुआ बस। तो देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी झकाझक लग रहा है और बाहर से भी साफ कर दिया गया है, ठीक है। ये कुछ लुक है गाड़ी का, देख सकते हैं। और रात के समय में चलिए आपको दिखा देते हैं जो एसेसरीज के तौर पर जो फॉग लैंप लगाए थे, तो चलिए उसका भी थ्रो आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इधर काफ़ी शांति जगह है, लेकिन फॉग लैंप जल रहा है गाड़ी, ठीक है। थ्रो देख सकते हैं ठीक ठाक ही है। तो फर्स्ट सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया मेरा। ख़राब यूँ हुआ कि जब फर्स्ट सर्विस करने के लिए गाड़ी पे शोरूम में जब आए ना, तो जो हम लोग का एडवाइज़र था, वो एडवाइज़र को कॉल किए, और जब कॉल किए तो उन्होंने कॉल उठाया ज़रूर, लेकिन उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो हमको लगा ठीक है हो गया होगा। उसके बाद कंटिन्यू 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने बोला कि हमको लगा कोई और एडवाइज़र आपका ये जो होता है ना रिसिप्ट वगैरह फ़ोटो वगैरह लेता है गाड़ी का, वो सब कर लिया होगा, और हम लोग तब तक कोई काम नहीं होता, यानी कि 1.5 घंटा फालतू में बैठे रहे शोरूम में। तो लास्ट में उन्होंने क्या ही बोला, वही बहाना मार दिया कि हमको लगा दूसरा एडवाइज़र आ गया होगा। हम लोग बोला कि जो जैसे आपका नाम मेरे पास आया मेरा मैसेज में कि आप एडवाइज़र हैं, तो हम दूसरा क्यों आएगा मेरे पास। तो फिर लास्ट में रेटिंग वेटिंग जो देना था उसमें बोले कि रेटिंग थोड़ा अच्छा से दे दीजिएगा, ख़राब रेटिंग मत दीजिएगा, 10 दे दीजिएगा, कॉल आएगा आपके पास। तो देखते हैं दे देंगे, क्या ही करना, गलती हो ही सकता है एक बार इंसान के। और यहाँ का माहौल देख सकते हैं कैसा है, काफ़ी शांत एरिया है। और ये रहा कुछ फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।